सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों नीमच की ग्राम पंचायत भरभड़िया के सरपंच पति को खबर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी हेमंत मेहरा को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। आरोपी ने व्हाट्सएप पर सरपंच पति से मोबाइल व पैसों की डिमांड की थी, जिस पर सरपंच हंसा जाटव के द्वारा नीमच कैंट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इसमें पिछले दिनों एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें सरपंच से व्हाट्सएप के जरिए जो है उसकी खबर लीक करने का को लेकर पैसे मांगे जा रहे थे, मोबाइल मांगा जा रहा था और उसके द्वारा सारा रिकॉर्ड पेश करने पर कैंट थाने में 384-506 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। गई रात उसको वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसने जिस मोबाइल से उसको मैसेज वगैरह किए थे वो जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत किया गया था और जहाँ से जैसा भी न्यायालय का आगे आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई ऐसे जो पत्रकार हैं ब्लैकमेल करते हैं उसमें क्या है? नहीं, एक पत्रकारिता बहुत पवित्र पेशा है और जो हम पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जो पत्रकार हैं जो ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं वो उनको अपनी बिरादरी से दूर करें, और क्योंकि वो लोग जो है सभी को बदनाम करते हैं और यदि वो क्रिमिनल केस में के दायरे में आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, उनको न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे और उनकी जितनी भी ऐसे करतूतें हैं वो जो है माननीय न्यायालय के समक्ष सजा के लिए प्रस्तुत करेंगे।